यू आर हार्डली वेलकम ऑन द चैनल। एक बार फिर से रिव्यू, मैं हूँ रहमत दिल्ली से और अभी मैं ये अनबॉक्स करने वाली हूँ न्यू ऑयल पॉरर, जिसे ऑयल पॉट भी कह सकते हैं, तेल रखने का बर्तन भी कह सकते हैं। तो ये 500 ml का है और इसे मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया है, बट मैंने अमेजन पे सेम टू सेम देखा है, थोड़ा रेट हाई है अमेजन पे। लोकल मार्केट में थोड़ा सस्ता मिल रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, 50 rupees से 40 rupees का ही डिफरेंस है लोकल और अमेजन में। तो बस मैंने इसे लोकल मार्केट से लिया, क्योंकि जो पिछला मेरा ऑयल पॉट था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने उसे अमेजन से ही मंगवाया था, लेकिन एक साल से डेढ़ साल यूज़ करने के बाद वो ऑयल पॉट एक बार किचन से बस यहाँ पर रखा हुआ था और वो नीचे गिर गया और वो टूट गया, क्योंकि इसका स्टील अच्छा वाला नहीं था। और अमेजन पे हम लोग देख भी नहीं पाते हैं कि ये जो स्टील मुझे मिल रहा है वो किस तरह का है। तो अभी फिलहाल टूटने के बाद मैं इस तरह का एक बर्तन यूज़ कर रही थी ऑयल रखने के लिए, जो कि मैंने इसका ऑयल पूरा ख़त्म कर दिया है और ये वॉश होने के लिए जाएगा। तो मैं इसे सिंक में डाल देती हूँ इस तरह से, और जो मेरा टूटा वो कुछ इस तरह का था। यूज़ करने में सही था और 1 liter तेल इसमें मेरा अट जाता था, तो थोड़ा बड़ा था, मुझे पकड़ने में थोड़ा तकलीफ होती थी, लेकिन सही था। लेकिन एक बार ये नीचे इस तरह से गिरा और इसका जो नीचे का जो बेस होता है वो पूरा टूट गया और उससे जो ऑयल लीक होने लगा, मतलब अच्छा खासा दिखता था, मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो टूट जाएगा इस तरह से एक बार पटकाने के बाद, यानी कि स्टील जो है स्टेनलेस स्टील अच्छा वाला नहीं था। तो अब मैंने ये परचेज़ किया है और ये कितना दिन चलता है, कितना दिन मैं इसे यूज़ कर पाती हूँ, अगर मेरे चैनल पे आप बने रहिएगा, हमेशा मेरी वीडियोस को चेक करते रहिएगा, तो आपको किसी न किसी वीडियो में इसका भी हाल पता चल जाएगा, जैसे कि आपको इसका हाल पता चला। मैं इसका पिक्चर टैग कर दूँगी, ये किस तरह का अमेजन पे था देख लेंगे आप। तो चलिए इसको मैं निकाल के दिखा देती हूँ ये किस तरह का है। तो मुझे देख कर ये अच्छा लगा, थोड़ा नया स्टाइल था तो मैंने इसे ले लिया। तो ये कुछ इस तरह का है और ये बिल्कुल जग टाइप का है, इस तरह से पकड़ लेने का, और नीचे का बेस कुछ यूं है। तो मैंने इसे जब लिया तो मैंने इसे अच्छे से टच करके देखा, भाई इसका स्टील पतला तो नहीं है, मतलब पतला स्टील वाला एक बार गिरे और वो टूट जाए, मतलब कांच का बर्तन होता तो मैं समझती भी, जो स्टील का हाल ये हुआ एक बार में मेरा टूट गया गिरने पर। तो मैं इसे खोल कर दिखा दूँ, तो कुछ इस तरह का है, यहाँ पर नॉब दिया हुआ है इसे पकड़ने के लिए, आप इसे लाइटली भी इस तरह से रख सकते हैं और प्रेस करके इसे पूरा क्लोज भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने लाइटली रखा हुआ है, स्टील इसका अच्छा है, मतलब मोटे स्टील में है, एक बार गिरने पर ये टूटने छूटने वाला नहीं है। और यहाँ पर जो इसका नोजल है, यहाँ पर इसके साथ कवर भी दी हुई है, पर मुझे लेने टाइम थोड़ा सा यहाँ पर डर लग रहा था कि यहाँ पर जो है जिसको कनेक्ट किया गया है गिरने पर ये चीज़ ना टूट जाए, मुझे ये फील हो रहा था। मैंने दुकान वाले भैया से भी पूछा, भाई ये तो टूट सकता है, उन्होंने कहा कि देखिए अच्छे से इस्तेमाल करिएगा तो नहीं टूटेगा। तो मैंने भी ले लिया है, फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हूँ लेकिन ले लिया है, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था कुछ इस तरह का नया यूज़ करने का मुझे मन कर रहा था। और ये 1/2 liter इसमें ऑयल अट जाएगा, इसे अच्छे से मैं इस तरह से प्रेस कर दूँगी और मैं इसे इस तरह से यूज़ करने वाली हूँ। नोज़ल इसकी भी मैं गारंटी नहीं ले रही हूँ कि ये कितना दिन मेरे पास रहेगा, हो सकता जल्दी भुला जाए, तो फिलहाल तो मैं इसे इस तरह से बंद कर दूँगी, चिपचिपा हो जाएगा, चटचट हो जाएगा, ग्रीसी हो जाएगा, तो मैं इसे निकाल देने वाली हूँ, लेकिन रहने पर अच्छा है भाई इसे क्लोज रखा जाए, जितना दिन रहेगा रहेगा। लेकिन ये सब इसके डिमेरिट्स मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि अमेजन पे भी अवेलेबल है और अमेजन पे ये जो चीज़ अवेलेबल है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपको ये मॉडल पसंद आ रहा है, लेने का दिल कर रहा है, तो आप अमेजन के लिंक से भी परचेज कर सकते हैं। ये सब चीज़ बहुत अच्छे से बिल्ड किया हुआ, हैवी है, थोड़ा हैवी है, ऐसा नहीं कि लाइट वेट है, एकदम अच्छा है। तो चलिए मैं इसमें ऑयल पॉर कर दूँ। तो मैंने इसे धुल दिया था, धुल के धूप में सुखा दिया था, बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इस डब्बे में डाला था, गंदा मत समझिएगा, ये वॉश किया हुआ है। तो मैं इसमें ये धारा मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो मैंने इसमें इतना डाला है, नोज़ल से थोड़ा नीचे ही रखा है, और ज़्यादा भर देने से ना थोड़ा ग्रीसी हो जाएगा, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं इसमें डाल रही हूँ, और इसे मैं अच्छे से इस तरह से प्रेस करके इसे बंद कर दे रही हूँ। तो ये इसका ओवरऑल लुक है, और अब मैं कुकिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, तो किस तरह से ऑयल जो है पॉर होता है वो आप देख लेंगे। तो चलिए फर्स्ट टाइम
वाह बहुत अच्छे थे, बहुत स्मूथली इसमें से तेल आया है। बस चक्कर यही है कि इससे तो कुछ बूंदें ड्रिप होंगी जहाँ पर भी मैं रखूँ, तो ऐसा करूँगी कि मैं इसे इस तरह से कर लूँ और इस चीज़ को मैं लगाना भूलूँ नहीं दोबारा। ओवरऑल बहुत अच्छा लगा मुझे और ऑयल बहुत इजली बहुत अच्छे से इसमें से निकला है। आपको भी पसंद आ रहा है तो नीचे दिए हुए लिंक से आप परचेज कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय।